हेलो प्यार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी प्यारी सी साइंस क्लासेस में। और आज हम आपका जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसको कंटिन्यू करते हुए इसे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा वो था एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, यानी मेटल का निष्कर्षण। और उसमें हमने जो एक्सट्रैक्शन था उसमें तीन स्टेप जो है बताए थे। पहला मेथड था कंसंट्रेशन, और उसी कंसंट्रेशन को हम कंटिन्यू करते हुए एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो कई सारे मेथड के द्वारा होती है मेटल्स की। यानी मेथड नंबर टू, जो मेथड नंबर फर्स्ट था वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था और वो था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। और इस वीडियो में हम मेथड कवर करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट इम्प्योरिटीज, और जो इम्प्योरिटीज होती है उनको हम गैंग के नाम से भी जानते हैं। फ्रॉम द ओएस ऑफ आयरन, because a peel of magnet is used in this method। यानी इस method में क्या होता है, जब ओर्स में magnetic material एक impurity के रूप में या फिर pure metal के रूप में मौजूद है, तब हम magnetic material और जो non-magnetic material है उन दोनों को separate यानी अलग अलग करने के लिए किस method का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट से बना हुआ व्हील यानी पहिया लेते हैं और उसके ऊपर एक मूविंग बेल्ट लगा देते हैं, और जो मैग्नेट से बना हुआ व्हील है वो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करता। इस तरह से क्या है, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं और उसके अंदर और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं और उसके अंदर, वो दोनों के दोनों अलग अलग हो जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से होता है, यानी एक व्हील ये रहा, ये मूविंग व्हील होते हैं, और एक व्हील ये रहा, ये भी मूविंग व्हील है, और इसके ऊपर हम एक मूविंग बेल्ट यानी जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं पट्टा लगा देते हैं, और इधर वाले मैग्नेट व्हील के अंदर हमने एक मैग्नेट लगा दिया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगा लेते हैं बहुत जगह पर, और बहुत सारी जगह पर परमानेंट जो मैग्नेट होता है उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं ताकि ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है उनको अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि ये क्या है, मूव कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, दिस इज द मूविंग बेल्ट, मूविंग बेल्ट, दिस आर द व्हील। मैग्नेटिक ये इस तरह एक ऐसा व्हील है जिसके अंदर एक मैग्नेट लगी हुई है, और इस मैग्नेट जो ये मूविंग बेल्ट है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बहुत ही बारीक पिसा हुआ जो ओर्स है उसको जो है डालते हैं, दिस आर द पाउडर्ड ओर्स,
और जब हम पाउडर तो ऑयल डालते हैं, क्योंकि ये बेल्ट जो है कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है, तो ये क्या करेगी, जो हमने पाउडर ऑयल इसके ऊपर डाला उनको भी अपने साथ साथ लेके जाती है, क्योंकि ये मूव कर रही है। यहाँ पे यहाँ एक हमने मैग्नेट लगा रखा है, तो ये क्या करेगा, जो मैग्नेट यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे उनको अपने साथ चिपका लेगा, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और जो नॉन मैग्नेटिक हैं उनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से क्या है, ये जैसे हैं वैसे के वैसे यहीं पर गिर जाएंगे। दिस आर द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, दिस आर द मैग्नेटिक पार्टिकल्स। और इस तरह से हम जो आयरन है उसके ओएस है, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज रेत वगैरह या पेबल्स वगैरह जो आती है, कंकड़ वगैरह, उनको आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो पेबल्स यानी कंकड़ वगैरह होती हैं, रेत वगैरह जो मिट्टी वगैरह होती है वो नॉन मैग्नेटिक है, और जो आयरन होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक है। इस तरह से दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी जो एयर है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी मौजूद है उनको हम इस मेथड के द्वारा आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और लोग भी हमसे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकें।